नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की हीरो एक्सट्रीम 160R के न्यू कलर के बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए तो हीरो एक्सट्रीम 160R में अब आपको एक नया कलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको कुछ मैट के कॉम्बिनेशन में नज़र आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस है 1,40,000 रुपीज़ ऑन रोड रायपुर। बाकी आप अपने सिटी की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो और बाकी की सारी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हो। प्राइस देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपकी सिटी और मेरी सिटी में। यहाँ पर देखा जाए तो इस बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे, इसमें आपको 4 टाइप के चेंजेस नज़र आने वाले हैं। पहला तो इसके प्राइस में आपको चेंज नज़र आएगा, अब आपको इस मोटरसाइकिल के लिए मात्र 500 रुपये ज़्यादा देना होगा, मतलब सिर्फ 500 रुपये इंक्रीज़ किया गया है इसकी प्राइस में। अब जो नेक्स्ट चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 5 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता था, जिसमें पहले आते थे 4 कलर, अब एक और कलर यहां पर ऐड हो चुका है इस लाइनअप में। तो इसमें आपको कुल मिला के 5 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको कौन सा कलर पसंद आया एक्सट्रीम 160R का, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेरियंट वाइज देखा जाए तो 2 वेरियंट में आती है, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क। तो ये हमारे पास जो है इसका डुअल डिस्क वेरियंट है। पहला जो चेंज था उसके प्राइस में था, दूसरा चेंज अब आपको इसमें नया कलर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो अब एक नया कलर इसमें दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे चेंज की ओर। तीसरा जो चेंज है अब आपको यहां पर नज़र आएगा वो ये है, यहां पर देख सकते हो यहां पर एक्सट्रीम स्टिल्थ लिखा हुआ, मतलब आपको नज़र आएगा वो भी 3D बैजिंग के रूप में नज़र आएगा, जो कि पहले मतलब देखा जाए तो स्टिल्थ नहीं आता था, लेकिन एक्सट्रीम 160R जो लिखा आता था वो आपको स्टिकर के रूप में नज़र आता था, लेकिन अब यहाँ पर ये 3D बैजिंग के रूप में आपको नज़र आने वाला है। तो ये हो गया इसका तीसरा चेंज। चौथा जो चेंज है, अब यहाँ पर मीटर कंसोल में किया गया है। मीटर कंसोल में क्या चेंजेस किए गए हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मीटर कंसोल मतलब आज यहीं पहले ही निपटा देते हैं। तो मीटर कंसोल अब आपको यहाँ पर रीडिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ऐड हो चुका है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर देख सकते हो न्यूट्रल लिखा हुआ आपको नज़र आने वाला है। RPM की यहाँ पर गेज आ जाती है, स्पीड मीटर आ जाता है, फ्यूल मीटर आ जाता है, और यहाँ पर ये ट्रिप ए बता रहा है। आगे करेंगे तो ये ट्रिप ए बता रहा है, आगे करते हैं इसको, ये ट्रिप बी, ओडोमीटर की मेन रीडिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आने वाली है। गियर पोजीशन इंडिकेटर के अलावा भी देखा जाए तो इसमें अब आपको एक जो चीज़ है वो नई देखने को मिलने वाली है। इस सेगमेंट में देखा जाए तो अभी तक ये जो चीज़ है आपको किसी मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलने वाली है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना ये रहता है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एस और यहाँ पर एम लिखा हुआ नज़र आता है, सेट और ये मोड। तो यहाँ पर ये मोड वाला है जो बटन है, आपको थोड़ा देर तक अगर आप प्रेस करके रखते हो लाइक 5 सेकंड तक के लिए, तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस भी इसके डिस्प्ले की कम कर सकते हो। जैसे अभी ये 60% पे है, आगे कर देते हैं, 40 हो गया, ये 20 हो गया और ये 100 आ गया। तो इसमें देखा जाए तो अब आपको मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए भी आपको इसमें सुविधा देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर रियल टाइम आ जाता है। तो ये चीज़ देखा जाए तो अभी तक इस सेगमेंट के किसी मोटरसाइकिल में मैंने आज तक तो देखी नहीं है। इस सेगमेंट छोड़ो, अभी तक मैंने जितनी भी मोटरसाइकिल देखी है उसमें कोई ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए तो नहीं दिया जा रहा है। इसमें ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अगर आपने देखी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, सुपर बाइक को छोड़कर। सुपर बाइक में हालांकि ये सारे फीचर्स तो नॉर्मल है। तो ये सारी जो चीज़ें थी आपको इसके चेंजेस के रूप में नज़र आने वाली है, जो कि इसमें अपडेट हुए। बस चार ही अपडेट आपको नज़र आएंगे, प्राइस, कलर और वो 3D बैजिंग और इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको थोड़ा सा अपडेटेड देखने को मिलने वाला है। बाकी अब जो इसका डिटेल वॉक अराउंड है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो हीरो की जो मतलब लोगो है ये आपको 3D में नज़र आने वाली है, क्रोम कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे तो पूरा सेटअप LED में नज़र आने वाला है, इसके हेडलैम्प में देख सकते हो ये पूरा सेटअप LED में दिया हुआ है। स्मोक ब्लैक फिनिश नज़र आ जाता है और दोनों साइड में यहाँ पर देखोगे तो DRL नज़र आ जाते हैं। इंडिकेटर की यहाँ पर बात की जाए तो इंडिकेटर इसमें LED में नज़र आ जाती है, देख सकते हो। इसमें देखा जाए तो कंपनी फिटेड आपको हैजार्ड लाइट की सुविधा भी मिल जाती है, जिससे आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर फ्रंट का जो मडगार्ड है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर है नंबर प्लेट की स्पेस। फ्रंट की जो सस्पेंशन है उसमें आपको 37mm टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो काफ़ी थिकर फॉर्क है, 37mm टेलीस्कोपिक फॉर्क है। और इस साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर इसके फ्रंट ब्रेकिंग की बात की जाए
तो फ्रंट में यहाँ पर 276 mm की पेटल डिस्क प्लेट नज़र आ जाती है। डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। पेटल डिस्क प्लेट का एडवांटेज ये होता है कि हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, जिससे आपकी बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। टायर सेक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 100x80 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील में। व्हील के साइड रिम बिट पर रेड कलर की स्टिकर कुछ इस तरीके की नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ जाता है यहाँ पर ऑरेंज रिफ्लेक्टर। सेफ्टी की यहाँ पर बात की जाए तो सेफ्टी में इसमें देखा जाए तो सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। बाकी एक बार आपको इसका जो साइड प्रोफाइल है वो दिखा देते हैं। तो साइड से ये बाइक कुछ ऐसी दिखती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एक छोटा सा मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि इसकी जो बैटरी है उसको लगाने के लिए कितना मतलब जंतो जिहाद करना पड़ता है, जिसमें ये टंकी वगैरह खोलनी पड़ जाती है। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा 1 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो कि कितनी मशक्क़त करने के बाद में इसकी बैटरी लगती है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये इसकी रियल टैंक नहीं है, इसके नीचे में आ जाता है स्टील बॉडी टैंक। ये ऊपर में देखोगे तो प्लास्टिक की काउल है। यहाँ पर एक्सट्रीम 160R की ब्रांडिंग नज़र आ जाती है। फ्यूल कैप कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर कुछ मतलब थोड़ा सा आपको वार्निंग की स्टिकर नज़र आ जाती है। हीरो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ की यहाँ पर ब्रांडिंग नज़र आ जाती है और कुछ ऐसा नज़ारा रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे तो डुअल टोन कलर नज़र आ जाता है, ये मैट में और ये ग्लॉस में है। और यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिक वर्क नज़र आ जाता है। राइट साइड के स्विचेस की बात की जाए तो राइट साइड में मिल जाता है इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच, वो भी इंटीग्रेटेड है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। मिरर्स आप देख सकते हो, मिरर कुछ ऐसे रहने वाले, इसमें काफ़ी वाइड व्यू मिलेगा। ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर मिल जाते हैं। कन्वेंशनल टाइप के हैंडल बार इसमें मिल जाते हैं। अब आपको इसकी जो चाबी है वो भी दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी की रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की, देख सकते हो। मीटर कंसोल जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। लेफ्ट साइड के स्विचेस की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में मिल जाता हॉर्न। एक बार सुनते हैं इसका हॉर्न, तो इसमें सिंगल टोन हॉर्न मिल जाता है। इंडिकेटर, लो हाई बीम, पासिंग की स्विच इसमें यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। और हैजार्ड लाइट की जो बटन है वो इसके लेफ्ट साइड में आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें अभी क्रैश गार्ड नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर सिंगल टोन हॉर्न मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑटो सेंसर, ये है इसका कैटलेटिक कन्वर्टर। अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें मिलता है 163 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वेल्व एयर कूल्ड PGM-FI मोटर। पावर की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 15 BHP की पावर मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 14 Nm का मिल जाता है। इसमें देखा जाए तो किक स्टार्ट एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। क्लच टाइप की बात करें तो वेट मल्टीप्लेट डिस्क है, ट्रांसमिशन टाइप चैन ड्राइव है। माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो 40-45 KMPL तक की माइलेज की उम्मीद आप इससे आराम से कर सकते हो, अगर आप इसको अच्छा खासा तौर तरीके से चलाओगे तो। नागिन डांस वाले हो तो फिर भूल जाओ, माइलेज नहीं मिल पाएगी आपको इस बाइक में, छोड़ो किसी बाइक में नहीं मिलेगी। फुल टैंक रेंज की बात की जाए तो 520 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की। वहीं बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, जो इसका कर्व वेट है 139.5 kg का है। 2029 mm की लेंथ मिल जाती है, 793 mm की वेथ है, 1052 mm की हाइट मिल जाती है, 1327 mm का व्हील बेस मिल जाता है, 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी है, इंप्रेसिव है। इंडियन रोड ब्रेकर एंड बम को काफ़ी इजी तरीके से ये क्रॉस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर स्टैंड का एडवांटेज ये होता है कि मतलब अगर आप चाहो तो मतलब आपको गाड़ी वगैरह जब आप धोते हो चैन ल्यूब या फिर क्लीन करते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। साइड स्टैंड आप देख सकते हो, इसमें देखा जाए तो साइड स्टैंड कट ऑफ भी मिल जाता है। साइड स्टैंड इंडिकेटर के साथ में भी आता है, यहाँ पर देख सकते हो साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिल जाता है। सीट आप देख सकते हो, इसमें सिंगल यूनि बॉडी सीट मिल जाती है। कुशनिंग की बात की जाए तो कुशनिंग थोड़ी सी हार्डर साइड में देख सकते हो, थोड़ी सी हार्डर साइड में। बाकी मैं मतलब अपनी वीडियोस में बहुत पहले कैसे मतलब कहते आ रहा हूँ, अगर आप इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मतलब इसकी कंफर्ट एंड कुशनिंग कैसी लगती है। यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा हम्प आपको नज़र आता है इसके पिलियन साइड में, और पिलियन साइड में आप देख सकते हो। इसमें देखा जाए तो बॉडी इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, हीरो वाले आपको देते हैं, वो ये है कि आप चाहो तो इसमें मतलब ग्रैब रेल भी अलग से लगवा सकते हो, बॉडी इंटीग्रेटेड ना होकर ये थोड़े से ऊपर साइड में आ जाते, तो इसका भी ऑप्शन
ऑप्शन आपके पास रहने वाला है तो आप चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ पर 160R की ब्रांडिंग और यहाँ पर की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है, जिसकी मदद से मतलब अगर आप इसको इसकी जो सीट है वो ओपन कर सकते हो और इसके मतलब जो गाड़ियों के पेपर है आप इजली इसके सीट के नीचे में रख सकते हो। मैं आपको दिखाई देता हूँ, इतना करने से अच्छा है। तो सीट के नीचे का नज़ारा भी देख लो, यहाँ पर आप गाड़ी के पेपर वगैरह आप इजीली रख सकते हो होल्ड करके। और यहाँ पीछे में भी ये सुविधा आपको मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें एयर फिल्टर वगैरह भी देख लो, कुछ इस तरीके का नीचे का नज़ारा रहने वाला है। इसमें देखा जाए तो ओपन चैन कवर मिल जाता है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा। इसका रियर जो फुटपैक कुछ ऐसा रहने वाला है, सारी गार्ड आप देख सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म मिल जाती है, जिससे आपकी बाइक की जो स्टेबिलिटी हो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। अब इस साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें किक का भी ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो इसमें किक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये इसका रियर ब्रेक फुटपैक कुछ ऐसा रहने वाला है। एग्जॉस्ट यहाँ पर आप देख लो कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें हेडशील्ड लगती है, अभी नहीं लगी हुई है। जब आप इस मोटरसाइकिल को रेडी कराओगे PDI वगैरह तो आपको लगाकर डीलरशिप से दे देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियर ब्रेकिंग की यहाँ पर बात की जाए तो रियर में 220mm की पेटल डिस्क प्लेट मिल जाती है, सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। यहाँ पर देखा जाए तो कैलिपर जो है वो निसिन के आपको नज़र आने वाले हैं। पेटल डिस्क प्लेट का एडवांटेज ये होता है कि हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, जिससे आपकी बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। रियर टायर सेक्शन की बात की जाए तो 130x70 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील में। व्हील के साइड रिम बिट पर रेड कलर की स्टिकर जो है वो आपको नज़र आ जाती है, कुछ इस तरीके की। अब इसके रियर सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आपको LED में नज़र आने वाली है। ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। ये देखा जाए तो स्मोक ब्लैक फिनिश के साथ में ये चीज़ आपको नज़र आने वाली है। इसका जो इंडिकेटर है वो भी जला देता हूँ तो यहाँ पर रियर के भी जो इंडिकेटर है वो सेम फ्रंट जैसे रहने वाले LED इंडिकेटर है। नंबर प्लेट की लाइट, हीरो की ब्रांडिंग, यहाँ पर रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस। रियर से अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखते हो तो थोड़ी सी बल्की नज़र आती है। बाकी ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप छत्तीसगढ़ हीरो रायपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज़ मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।